डायनेमिक्स बैंड। तो गाइज ये डायनेमिक्स बैंड लगभग सबको मिल चुका है। गाइज अगर आप उनमें हो कि अभी तक आपको डायनेमिक्स बैंड नहीं मिला है तो मैं आपको बता देता हूं, न्यू एक स्पेशल रिसर्च आया है पोकेमोन गो में जिसका नाम है मैक्स आउट, मतलब कुछ दिन पहले ही आया है, ठीक है। तो वो मिशन का टोटल 3 पेज है जिसमें 2 पेज तो इजिली कंप्लीट हो जाता है एंड वहां से हमें 2 डायनेमिक्स मिलता है। बट गाइज जो 3rd पेज है, 3rd पेज में हमें एट द एंड जाके डायनेमिक्स बैंड मिलता है अगर आप उसको कंप्लीट करोगे। एंड मैं बता दूं बहुत ज्यादा इजी पेज है 3rd पेज, जिसको कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इजी है एंड बहुत सारे लोगों ने उसको कंप्लीट भी किया है एंड लास्ट एज अ रिजल्ट उन लोगों को मिला है डायनेमिक्स बैंड। लेकिन गाइस डायनेमिक्स बैंड मिलने के बाद सबका ये क्यूरियोसिटी आएगा कि भाई मुझे देखना है वो बैंड दिखने में कैसा है। तो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जाओगे स्टोरेज में, आपका जो बैक स्टोरेज है वैसे ही मैंने सेम टू सेम किया जैसे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। बैक स्टोरेज चेकआउट करने के बाद कहीं पर भी मुझे डायनेमिक्स बैंड नहीं मिला। तो अगर मुझे डायनेमिक्स बैंड नहीं मिला तो वो क्या था जो मैंने क्लेम किया था? और गाइस अगर डायनेमिक्स बैंड नहीं मिला तो डायनेमिक्स बैंड को हम लोग कैसे यूज करेंगे? हाँ बिल्कुल, बाय द वे डायनेमिक्स बैंड का यूजेस क्या है यही बताना है, ये डायनेमिक्स बैंड का काम क्या है एंड ये आपको कहां पर मिलेगा, गलत जगह पे आप लोग ढूंढ रहे हो। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ये जो डायनेमिक्स बैटल चल रहा है क्या हम लोग वो सोलो कर सकते, मतलब अकेले बैटल कर सकते? तो वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आई एम सो सॉरी, इंट्रो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है एक नया वीडियो में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करता हूं क्या आप सोलो बैटल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैक्स बैटल करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 डायनेमिक्स पोकेमोन होना चाहिए। अगर आपके पास 1 भी डायनेमिक्स पोकेमोन नहीं है तो आप मैक्स बैटल कर नहीं पाओगे भाई, वो आप नहीं कर पाओगे। आपके पास एटलीस्ट 1 आपके पास मैक्स पोकेमोन मतलब डायनेमिक्स पोकेमोन होना चाहिए, उसको आप जो भी अभी डायनामिक्स जो बैटल चल रहा है लाइक स्कॉटल, बल्बसॉर, चार्मेंडर, वुलू, आप उसके साथ बैटल कर सकते हो। एंड यस, आप सोलो बैटल भी कर सकते हो, इजीली बैटल विन कर सकते हो। सिर्फ आपका जो पोकेमोन है उसको चेंज होने देना वहां पर डायनामिक्स में, एंड चेंज होने के बाद वहां पर आपको एक स्पेशल मूव मिलता है, वो यूज करने के बाद लगभग जितना भी वहां पर आपको डायनामिक्स पोकेमोन है वो डिफीट हो जाता है। बहुत ज्यादा इजी है भाई, बहुत ज्यादा इजी। मैं तो ज्यादातर सोलो बैटल ही करता हूं। तो चलो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो आपको समझ में आ चुका है कि आपको डायनेमिक्स बैटल कैसे करना है। अभी मेन डायनेमिक्स बैंड कहां पर मिलेगा अगर आपको ये जानना है तो छोटा सा एक काम कर देना, डायनेमिक्स बैंड आपको भी मिल जाएगा। उसके लिए चैनल में अगर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे वीडियोस और भी देखने के लिए। एंड गाइस वीडियो में लाइक जरूर कर देना, 400 लाइक्स का एम लगाते हैं, कंप्लीट कर देना। तो गाइस एक चीज बता दूं, डायनेमिक्स बैंड आपको वो जो स्टोरेज में ढूंढ रहे हो वहां पर नहीं मिलेगा। आ जाओ मैं आपको बताता हूं डायनेमिक्स बैंड कहां पर मिलेगा। जैसे आप लोग साइड में स्क्रीन देख सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको जाना है आपका जो मेन प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाने के बाद वहां पर आपको एक स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। स्टाइल के ऑप्शन में जाओ, वहां पर एक्सेसरीज में जाओ, एक्सेसरीज में जाने के बाद आपको ग्लव्स में ढूंढना है। एंड ग्लव्स में ये देख सकते हो यहां पर मिला है आपको डायनेमिक्स बैंड, मतलब वहां पर जो डायनेमिक्स बैंड मिला था वही डायनेमिक्स बैंड है भाई ये जो आपको मिला है। तो मैं बता दूं डायनेमिक्स बैंड कोई भी मशीन नहीं है जो हम लोग को लगा था भाई डायनेमिक्स बैंड में क्लिक करने के बाद हम लोगों का पोकेमोन डायनेमिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं होगा, जस्ट ये एक एक्सेसरीज है जो आपको हाथ में पहनना है। जैसे आप लोग देख सकते हो मेरा कैरेक्टर अभी हाथ में ये जो डायनेमिक्स बैंड है, तो अभी तो इसका कोई भी काम नहीं है, ये जस्ट एक एक्सेसरीज है। हाँ बाद में अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म आया, डायनेमिक्स बैंड आया तो आ सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए जो मुझे लगता है इसका कोई भी काम नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई डायनेमिक्स बैंड तो मिल चुका है लेकिन उसके बाद तो मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूं कहां पर है, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। एंड जितना भी मैंने बताया आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो भी चुका है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही था वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो में लाइक कर देना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।